बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूँ इरफान सरवर और आप देख रहे हैं यूएई ऑफिशियल। यूएई ऑफिशियल में वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ बहुत ही अहम बात करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा, उस पर हमने वाजिया तौर पे ये लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले सबसे ज़्यादा दुबई विजिट पर जा रहे थे क्योंकि काम ढूंढने के लिए। अब क्या मैं आप लोगों को अफसोसनाक हुआ क्या बताने वाला हूँ, वो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं यार, आप लोगों से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन होता है, जो अपडेट्स होती हैं, वो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें डेली बेसिक पे। तो बात करते हैं पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेशियों के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्यों बोला है कि खतरे की घंटी बजा दी या अफसोसनाक खबर। मैं आप लोगों को बताता चलूं, सिर्फ और सिर्फ कोई मैं 48 घंटे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे के अंदर 3500 प्लस कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। पाकिस्तानियों और इंडिया और बांग्लादेशियों से अपील की जाती है कि जितने भी वहां पे रहते हैं, फ्री में जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। ये आप लोगों के भलाई के लिए वो लोग कर रहे हैं, यूएई वाले कर रहे हैं, ताकि कोरोना जैसी वबा से छुटकारा पाया जाए और पहले जैसे नॉर्मल हालात वहाँ पर हो जाए। तो आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हफ्ज़ो ईमान में रखे ताकि पहले की तरह लोग वहाँ पर विजिट पर जाएँ और काम करें, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बल्कि लाखों की तादाद में बेरोजगार हुए इस वबा की वजह से।